खुश आते पाक सीरत मिलाद कमेटी जनता हमला और जलूस के तमाम मराकज को जमात फैजान मुस्तफ़ा मस्जिद पर खुश आमदीद जी आया दो पहरा गले तमाम अहबाब स्टेज पर तशरीफ ले आए। सिवा डिफेंस इंतजामिया को जमात फैजान मुस्तफ़ा कश्मीर पर खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी काविश कबूल मंजूर फरमाए कि आप हर साल हुज़ूर के मैदान में सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम देते हैं। मरकजी जुलूस मिलाद कमेटी, मरकजी सीरत कमेटी रजिस्टर्ड और तमाम अहदेदारान को दिल की अथाह गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ और तमाम हजरात एक बाकाए दो जहाँ के जिनकी रास्त से अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और ये मरकजी जुलूस रावलपिंडी में गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहानी जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं तमाम अहदेदारान को कुछ अमदेद कहता हूँ। आँखों पे आया हो जा तू राज कुन फका है, अपनी आँखों पे आया हो जा खुदी का राज दां हो जा खुदा का तर्जमा हो जा। मैं आज़म हिसाब अब्दुल गफूर साहब जो बिजनेस टाइम के चीफ एडिटर भी हैं और मरकजी सीरत कमेटी रजिस्टर्ड और पिंडी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रहे मेरे वाले साहब के टाइम में भी, तो इनके साथ मेरी बड़ा टाइम गुजरा और इन्हीं लोगों के साथ जाकर मिलाद की महफिलों में मिलाद मनाना शुरू किया। अंकल यहाँ पे रुकना और आपसे शफकत लेना मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपके जानो माल में बरकत फरमाए और ये अजमन फैजान मदीना जो कमोबेश पिछले 30 साल से ये स्टेज निकाल रही है। अब जितने स्टेजेस आगे आते जा रहे हैं क्या करूँ कि कोई मेरे वालिद साहब का दोस्त है, कोई किसी को मैं चाचा कह रहा था, कोई मेरा ताया है, किसी की मैंने उंगली पकड़ के मिलाद में चलना शुरू किया है। यार अभी एक साहब कह रहे थे कि जनाब मेरी ये एज है, तो मैं कहा भाई 40 साल से ज्यादा इस मिलाद के अंदर मुझे चलते हुए हो गए हैं, आप तो आज पहले दिन मिलाद के अंदर आ रहे हैं, तो ये तारिक साहब आप इनकी खुशी के लिए अपने जरिए ख्यालात का इजहार करें क्योंकि ये आपके वालिद मोहतरम के टाइम के अंदर भी मरकजी सीरत कमेटी का हिस्सा हुआ करते थे और ये दोनों तंजीम आप मरकजी जुलूस मिलाद कमेटी मरकजी सीरत कमेटी ये दोनों ने बुनियाद रखी रावलपिंडी शहर के अंदर जुलूस ए मिलादुन्नबी के हवाले से। जनाब आगा अब्दुल गफूर ताहिर साहब के बेहद ममनून है, ये हमारी जानी पहचानी शख्सियत है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों में इनका शुमार है। साल आ साल से हम देख रहे हैं माशाल्लाह इतनी ये मेहनत और खिदमत और कोशिश करते हैं, नबी पाक का मिलाद मनाने वाले वही सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर की आमद का जश्न मनाने वाले दर हकीकत अल्लाह की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, अल्लाह के उन फरिश्तों की सुन्नत पूरी कर रहे हैं जो 70,000 की तादाद में सुबह और 70,000 शाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के लिए हुजूर के दर अक़दस पर हाजिर होते हैं। हम सब उनकी तकलीद और पैरवी कर रहे हैं। आगा साहब का इंतहाई दिली तौर पर ममनून मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको बेमना इज्जत और बेमना रहमतें और बरकतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से जनाब गौस पाक के सदका से अता फरमाए और आपके तमाम अहबाब को साथियों को जिन्होंने मिलजुल कर रात दिन लगा कर ये लाखों रुपये के अखराजात करके ये सारे इंतजाम आपकी मुआवनत में किए। जमात फैजान मुस्तफ़ा को हमने
1982 में और खिताब के लिए एक बार रिजवी साहब को खिताब के लिए मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद वाला आलिही वसहाबी अजमाइन वरफ़ना लक ज़िक्रक। मैं सिविल डिफेंस और इनकी तमाम सटिंग लगाने वाले हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जश्न का दिन है, ईद उल फितर मिली इस ईद के सदक़े, ईद उल अज़हा मिली इस ईद के सदक़े। हुज़ूर आए ये कहनात बातें वजूद में आई, हुज़ूर ना आते ना ये कहनात होती, ना ज़मीन होती, ना आसमान होता, ना लौह होता, ना कलम होता, ना अर्श होता, कुछ भी ना होता। ये सारा कुछ बना हुज़ूर के सदक़े। और आज ये जो आप जश्न मना रहे हैं, हुज़ूर का मीलाद मना रहे हैं, ये अल्लाह ने मनाया, फरिश्तों ने मनाया और फिर सहाबा ने मनाया और मदीना के लोगों ने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार किया। तो आज जितने भी हजरात इसमें चल रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिश को कबूल फरमाए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। हुज़ूर के सदक़े ये हमारे जितने भी कायदीन हैं, सटेज लगाने वाले, अल्लाह इनकी रिज़्क़ में, माल में, जान में, औलाद में बरकतें फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह इन दोस्तों की जान भी कबूल फरमा, सबकी मुश्किल को हल फरमा। जितने भी हजरात जो इनके साथ मुआमिल करते हैं, या अल्लाह सबके कारोबार में, माल में, जान में बरकतें फरमा। हमारे जुल्फी भाई अल्लाह उनके वालदैन के दर्जात को बुलंद फरमा। दीगर जितने भी कायदीन जो दुनिया तो बड़का फरमा गए, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो मौजूद सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज 40 साल हो गए हम इसको बुला रहे हैं। इंशाल्लाह अजीज आपकी दुआओं से, आप सबकी दुआओं से ये काफिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम इसी तरह नबी पाक की सराहानी करते रहेंगे। जमात मुस्तफा के स्टेज से नईम भट्टी, जहूर मुगल और रियाज साहब की तरफ से सबको खुश आमदेद और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ लाए। अब के नाथ खान हजरात के वह तशरीफ और आगे सरकाने अकीदत पेश करें। हरगजी पाक सीरत कमेटी हजरात माशा। Yeah।
हस्ती मैं तेरे लिए हरफे जरी सोच रहा हूँ। अल्लाह के अज़ल साहिब कुल माल की हस्ती मैं तेरे लिए हरफे जरी सोच रहा हूँ। है कितने बरस बीत गए दस्त सुफन में, मौला तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। मौला तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। और सरदार की बारगाह में हाजिरी पेश करते हुए ये मेरी हसरतों ने जब भी तेरे मुस्तफा को चूमा, यूं लगा जमीन जाके अर्शे खुदा को चूमा। जी चाहता है पूछूं मैं फलक की रिफतों से, तुझे कैसा लग रहा था जब नक्शे पा को चूमा। होता है अपना अपना अंदाज दिल रुबाई, बुलेता है बा किसी ने तो हारे सरा को चूमा। तेरे मौत से जिसको जा अपनी हो मुकद्दम, वो खुदे अली था जिसने अपनी कजा को चूमा। इतलाए फिर रहा है सूरज भी अपनी सौ पर, लगता है उसने आकर मुहम्मद को हो को चूमा। वही शान मुस्तफा है वही जान मुर्तजा है, सर को कटा कर जिसने रब की लजा को चूमा। शामिल है मेरे खून में आले नबी की चाहत, जबी तो कदम में आकर मेरी हर दुआ को चूमा। रहमत ने ले लिया फिर आगोश में हसन को, जबी तो कलम में जाकर उनकी सदा को चूमा। रहमत ने ले लिया फिर आगोश में हसन को, जबी तो कदम में जाकर उनकी सना को चूमा। और क्यों चूमा सारी कुट्टी दे विच नबी दा प्यार शामिल, नबी नबी न करिए ते की करिए। मन्नन वाले हा अल्लाह दे वलिया दे, रोसे जली न करिए ते की करिए। ते चौवा यारा दा जिक्र मिठा सजन, गली गली न करिए ते की करिए। अल्लाह पाक दिया नेमता दा शुक्र अदा, करी करी न करिए ते की करिए। आले नबी दे हो के गुलाम नासिर, अली अली न करिए ते की करिए। आले नबी दे होके गुलाम नासिर, अली अली न करिए ते की करिए। और आपने सरकार के बारगाह में नन्हे फूल का जिक्र किया कि दूध पीता बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता बच्चा ये सदा देता है। उन मला सामने आ धमकियाँ क्या देता है। नाम अली है मेरा, नाम अली असगर है मेरा, हूँ अली का पोता जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। आपके इसी सहयोग पे सदर साहब से गुजारिश करूँगा स्टेज पर तशरीफ लेकर आए और जमात मैदान मुस्तफा के सदर Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.